रिया के साथ धक्का मुक्की को लेकर नाराजगी। नारकोटिक्स ऑफिस के बाहर रिया के साथ हुए व्यवहार को देख फूटा सेलेब्स का गुस्सा। दिया मिर्जा ने पूछा, मीडिया गिद्ध क्यों बन रही है? सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से समन मिलने के बाद रिया चक्रवर्ती रविवार दोपहर विभाग के दफ्तर पहुंची थी, जहां बड़ी संख्या में मौजूद मीडिया कर्मियों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया, जिसके बाद पुलिस ने भारी धक्का मुक्की के बीच उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ ऑफिस के अंदर पहुंचाया। उनके साथ हुए इस व्यवहार को देखकर कई बॉलीवुड सेलेब्स ने नाराजगी जताई है। रिया के एनसीबी दफ्तर पहुंचने का जो वीडियो सामने आया है, उसमें मीडिया कर्मियों की भारी धक्का मुक्की के बीच पुलिस कर्मी उन्हें जैसे तैसे ऑफिस के अंदर ले जाते नजर आ रहे हैं। इसी वीडियो को सेलेब्स ने शेयर करते हुए अपनी चिंता जताई। परेश रावल ने पूछा, मीडिया है कि भेड़िया? तापसी पन्नू ने उसी वीडियो को शेयर कर लिखा, न्याय के नाम पर इन लोगों ने दोषी साबित होने से पहले ही एक इंसान को जीने के अधिकार से वंचित कर दिया। मैं ईमानदारी से प्रार्थना करती हूँ कि कर्म उस हर एक शख्स का पता लगाकर उसका हिसाब करेगा जो मानव जाति को इतना नीचा गिराने के जिम्मेदार है, जिसके गवाह हम बने हैं। इधर भूमिका चावला ने लिखा, हमारे मीडिया और लोगों को शारीरिक दूरी का सम्मान करने के बारे में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। दिया मिर्जा ने वीडियो के साथ लिखा, कानून को इस बारे में जरूर कदम उठाना चाहिए, यह व्यवहार हर तरह से निंदनीय है। बहुत हुआ, रिया को जाने के लिए रास्ता और फिजिकल डिस्टेंसिंग का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? मीडिया गिद्धों की तरह व्यवहार क्यों कर रही है? कृपया उसे जगह दें, उसे और उसके परिवार पर हमला करना बंद करें। वह रिया चड्डा ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग भाड़ में जाए। हुमा कुरैशी ने लिखा, हम लोगों के साथ क्या समस्या है? हम इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेकिन ये लड़की भी एक महिला होने के नाते बुनियादी सम्मान और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के पालन का अपना अधिकार रखती है। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने उस वीडियो को लेकर कमेंट करते हुए ट्विटर पर लिखा, एनसीबी ऑफिस में रिया की एंट्री वाला वीडियो सही मायने में मुंबई की कानून व्यवस्था पर मीडिया की ताकत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और हाँ, ये नाम लिए जाने की तुलना में कहीं ज्यादा घटिया है। वहीं स्वरा भास्कर ने लिखा, भारत हमारा सबसे घटिया स्तर देखो, शर्मनाक विच हंट, घिनौना। रणवीर शौरी ने लिखा कि पेपराजी खून चूसने वाले होते हैं और उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।